हाय फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में हमने देखा था वैस्कुलर इवेंट्स जो होते हैं एक्यूट इन्फ्लामेशन में, और इस वीडियो में हम देखेंगे सेलुलर इवेंट्स जो होते हैं एक्यूट इन्फ्लामेशन में, और उसमें क्या होता है, एक्स्ट्रावेजेशन होता है एंड फैगोसाइटोसिस होती है। एक्स्ट्रावेजेशन का मतलब हुआ कि जो ल्यूकोसाइट्स होते हैं वो वेसल्स के ल्यूमेन से साइट ऑफ इंजरी पे जो उसका जो मूवमेंट होता है तो उसे एक्स्ट्रावेजेशन बोलते हैं। एंड फैगोसाइटोसिस जो होता है, जो ल्यूकोसाइट जो होते हैं, जो फॉरेन एजेंट होते हैं या फिर बैक्टीरिया है या कोई भी माइक्रोब है, उसको अगर वो इंजेस्ट कर जाते हैं और डिस्ट्रॉय करते हैं तो वो फैगोसाइटोसिस हो जाता है होता है। तो सेलुलर इवेंट्स में सेलुलर इवेंट्स क्या हुआ, सेलुलर इवेंट्स में हुआ आपको ल्यूकोसाइट एक्स्ट्रा एंड फैगोसाइटोसिस। सेलुलर इवेंट्स में क्या होता है, डिलीवरी होता है ऑफ ल्यूकोसाइट टू साइट ऑफ इंजरी। साइट ऑफ इंजरी पे ल्यूकोसाइट का जो डिलीवरी होता है वही है, हुआ एक्स्ट्रावेजेशन हुआ, और जब ये ल्यूकोसाइट ल्यूकोसाइट साइट ऑफ इंजरी पे पहुंच जाता है तो क्या करता है, वो फैगोसाइटोसिस करता है। और ल्यूकोसाइट क्या क्या करता है, ये इंजेस्ट करता है जो भी ऑफेंडिंग एजेंट्स होते हैं, और जो बैक्टीरिया होता है उसको वो किल करता है, एंड अदर माइक्रोब जो होते हैं उनको भी वो क्या करता है, किल करता है। और जो नेक्रोटिक टिश्यू जो होता है वो भी तो डैमेज करता है ना, तो उसको भी वो डिग्रेड करता है, डिग्रेड नेक्रोटिक टिश्यू एंड फॉरेन एंटीजेंस। और ल्यूकोसाइट जो होता है ये क्या कर सकता है, ये इन्फ्लामेशन जो एक्यूट इन्फ्लामेशन है उसको वो मतलब प्रोलॉन्ग कर सकता है, यानी कि वो उसको क्रोनिक इन्फ्लामेशन में भी चेंज कर सकता है, और वहाँ जो टिश्यू नॉर्मल जो टिश्यू होते हैं उनको भी वो डैमेज कर सकता है, जो इसके थ्रू जो एंजाइम्स जो रिलीज होते हैं वो डैमेज करते हैं नॉर्मल टिश्यूज को भी, मे आल्सो क्या है ल्यूकोसाइट है ना, मे आल्सो प्रोलॉन्ग इन्फ्लामेशन एंड इंड्यूस डैमेज, इंड्यूस डैमेज बाय रिलीजिंग एंजाइम्स, एंजाइम्स जो रिलीज करता है या फिर केमिकल मेडिएटर्स जो रिलीज करता है वो, एंड जो भी टॉक्सिक ऑक्सीजन रेडिकल ये रिलीज करता है, टॉक्सिक रेडिकल्स जो वो ये रिलीज करता है वो इन्फ्लामेशन को क्या करता है कि प्रोलॉन्ग करता है, और टिश्यू टिश्यू जैम डैमेज टिश्यू।
tissue and induce tissue damage. अब हम देखते हैं कि वो कैसे ल्यूकोसाइट का डिलीवरी हो रहा है, मतलब कि ल्यूमेन ऑफ द वेसल्स से इंडोथीलियम तक, और देन वहाँ से आपको साइट ऑफ इंजरी तक वो कैसे जा रहा है. तो एक्स्ट्रावेजेशन एक्स्ट्रावेजेशन जो हुआ कि वेसल्स जो इसका वेसल्स से जब ये बाहर जा रहा है तो ये एक्स्ट्रावेजेशन हुआ. और इसमें बहुत सारे इवेंट्स होते हैं, नॉट कि एक सिंगल स्टेप प्रोसेस नहीं होता है ये, इसमें सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स होते हैं. उनकी क्या है सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स होता है इन दी जर्नी ऑफ ल्यूकोसाइट, कहाँ से फ्रॉम ल्यूमेन और कहाँ जाता है ये साइट ऑफ इंजरी. साइट ऑफ इंजरी कहाँ है, इंटरस्टिशियल टिश्यू टू दी इंटरस्टिशियल और इसका जो स्टेप्स हैं इसके स्टेप्स ल्यूमिन में क्या क्या होता है. ल्यूमिन में क्या क्या होता है, सबसे पहले तो मार्जिनेशन होता है. मार्जिनेशन क्या है, ल्यूकोसाइट, क्योंकि ल्यूकोसाइट वेसल्स जो होते हैं उनके सेंटर में फ्लो हो रहा होता है. लेकिन जब हम पिछले वीडियो में देखे हैं कि क्या होता है वेस्कुलर, उसमें भी फ्लो में अल्टरेशन होता है, तो उसकी वजह से क्या होता है कि ये जो वेसल्स में ये सेंटर में फ्लो हो रहा था ओके और वहाँ इथ्रोसाइट जो होता है वो उसका उसका जो रेट होता है फ्लो का वो ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से इथ्रोसाइट जल्दी जल्दी फ्लो कर जाता है लेकिन और ये ल्यूकोसाइट को पीछे छोड़ देता है और ये पुश होके क्या होता है ये यहाँ पे इंडोथीलियम के पास चला आता है. और यहाँ ल्यूकोसाइट से सेंटर से ये जो पेरिफेरी में जो आया इसको क्या बोलते हैं, मार्जिनेशन बोलते हैं. उसके बाद होता है रोलिंग एंड होता है फिर एडहेजन. हम सबको देखेंगे सही से फिर से डिटेल में. और रोलिंग में क्या होता है कि रोलिंग में ये होता है कि बहुत ट्रांजिएंटली ये जो ल्यूकोसाइट है ये इससे अटैच होता है इंडोथेलियल सेल से और ये फिर डिटैच होकर तुरंत दूसरे इंडोथेलियल सेल से जो एडजेसेंट है उसके उससे वहाँ पे वो अटैच हो जाता है और ये क्षणिक होता है, बहुत पल भर में वो ये अटैच होता है और फिर डिटैच होकर फिर दूसरे इंडोथेलियल सेल पे जाकर अटैच होता है, ऐसे करके वो रोल करता होता है. ठीक, तो ये हो गया प्रोसेस रोलिंग होता है. लास्टली क्या होता है कि ये जो ल्यूकोसाइट होता है तो ल्यूकोसाइट एक्सप्रेस करता है एक इंटेग्रिन प्रोटीन को और वैसे ही एंडोथेलियल भी इंटेग्रिन लिगेंड को एक्सप्रेस करता है और इसके वजह से ये अटैच्ड हो जाता है, फॉर्मली अटैच हो जाता है इंडोथेलियल सेल से और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, एडहेजन बोलते हैं. और ये क्या हुआ, ये रोलिंग हो गया, ये हो गया मार्जिनेशन.
और अब दूसरा जो होता है क्या होता है, ट्रांसमाइग्रेशन होता है। फिर ट्रांसमाइग्रेशन का मतलब ये हुआ कि ये जो ल्यूकोसाइट होता है वो स्क्वीज करके इस दो एंडोथेलियल के बीच के जंक्शन के बीच से ये स्क्वीज करके बाहर चला जाता है। तो ट्रांसमाइग्रेशन अक्रॉस दी एंडोथीलियम, और इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, ऑल्सो कॉल्ड डायपेटेसिस। ओके, और तीसरा क्या होता है कि यहाँ जब ये बाहर आ गया ल्यूकोसाइट, देन वो क्या होता है, साइट ऑफ इंजरी जो है वहाँ तक वो पहुँचता है, और वो किसके थ्रू पहुँचता है, केमो अट्रैक्टेंट के थ्रू पहुँचता है, और उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, केमोटैक्सिस प्रोसेस बोलते हैं। ओके, तो माइग्रेशन इन इंटरस्टीशियल टिश्यू टुवर्ड्स टुवर्ड्स केमो स्टिमुलस। और दूसरे वीडियो में हम इसको पूरी तरह से डिटेल में देखेंगे। तो थैंक यू गाइस, अगर वीडियो आपको पसंद आ रहे हैं तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।